अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं MHD सलीम उस्ताद। दोस्तों वही मेरा एक नारा, शौक को बढ़ावा देने का, देता हूँ, देता रहूँगा ता जिंदगी। दोस्तों फिर से मैं, गर्मी का सीजन आ चुका है और फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे से कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि उस्ताद जी, कि गर्मी में हमें बाजरा भिगो के देना चाहिए या सूखा देना चाहिए। तो दोस्तों दो ऑप्शन है आपके। एक आदमी बाजरा भिगो के देता है और एक सूखा देता है गर्मी में। तो भिगोने के भी नुकसान हैं और सूखा देने के भी नुकसान हैं। मैन है तरीका, आपका तरीका परफेक्ट होना चाहिए। कबूतर भी बीमार ना हो, कबूतर भी उड़ान में ना घटे, सब चीजें इस विषय पे सोच के चलो। तो आप अगर ये वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो आप जान पाएंगे के उसके फायदे और नुकसान, भिगोने के फायदे और नुकसान। तो पेश है दोस्तों आप भाइयों के लिए। पहली बात तो हम अगर कबूतरों को बाजरा भिगो के देते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, जो लोग सुबह खोलते हैं वो रात को भिगो देते हैं बाजरा, तो वो रात को भिगो देते हैं, वो है नुकसान का घर। क्योंकि अगर मान लो सुबह खोल रहे हैं तो वो रात को भिगो रहे हैं, तो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे बाजरा भीगा हुआ, वो बाजरा पानी बन चुका होता है, कबूतर खाली हो जाता है। ठीक है, वो बाजरा पानी बन चुका होता है और वो कबूतर खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाएगा कबूतर, तो वो सैदी के यहाँ लड़ते के साथ गिर जाएगा। तो इसलिए पहली बात, अगर 8-10 घंटे आप बाजरा भिगोते हैं तो बिल्कुल ना भिगोएं। मैंने अक्सर देखा है बाहर यूपी साइड लोग बाग बहुत बहुत देर बाजरा भिगोते हैं और वो नुकसान का घर है। तो आप क्या करें, बाजरे को 3 से 4 घंटे से ज़्यादा ना भिगोएं। और अगर बाजरे को भिगोएं तो ये है मुलाइठी, ये मुलाइठी है, एक एक इंची का टुकड़ा लेके। और दोस्तों ये मेरे फिशिंग चैनल का, और डिस्क्रिप्शन में इसका, फिशिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, जो एडवेंचर देखने के शौकीन हैं, जिन्हें मतलब एक ट्रैकिंग करना और फिशिंग करना एक एक तरह का एडवेंचर है। और उसमें क्या होता है, आप माइंड फ्री रहते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो देखने के लिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगा और ये साइड में मेरे फिशिंग चैनल का फोटो आ रही है और नाम आ रहा है। तो इसमें MHD सलीम उस्ताद फिशिंग किंग के नाम से है। देखने के लिए अपने भाई को देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। 1 इंची का टुकड़ा लेके आप मुलाइठी को बाजरे के बीच में, डब्बे में जिसमें आप बाजरा भिगोगे, बीच में दबा दें और उसमें पानी भर लें। ठीक है, 3 से 4 घंटे, 4 घंटे भी बहुत होता है, 3 घंटे आप भिगोए बाजरा और वो आप डालें, आपके कबूतर को कभी भी नुकसान नहीं होगा। जो लोग कपड़े में डब भिगोते हैं, वैसे भिगोते हैं, फंगस लगने का खतरा होता है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, बाजरा बिल्कुल पानी बन जाता है। दूसरा, अगर बाजरा सड़ गया तो कबूतर दाना रोक लेगा, दाना रोक लेगा तो आपका कबूतर तो खराब ही हो गया। ठीक है, ये तो रहे इसके नुकसान। और फायदे मैं आपको बता रहा हूँ, फायदे क्या है, कबूतर ना गर्मी नहीं मानता भिगोए हुए बाजरे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे भिगो, भिगोने का मतलब है 2 से 3 घंटे 4 घंटे, बस इससे ऊपर ना जाएं। और जो अगर 4 घंटे से ऊपर हो जाए, वो बाजरा आप सुखा लें फिर दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, आपका बाजरा भी खराब नहीं होगा, तो उसको सुखा लें। तो दोस्तों आपको बता दिया मैंने, मुलाइठी उसके बीच में दबाएं और उसमें पानी भर लें। ठीक है, पानी भर लेंगे तो बाजरा भी ठंडा हो जाएगा, चील्ड, और आप बाजरा डाल सकते हैं। दूसरा, लोग बाग जो सूखा बाजरा खिलाते हैं उनके तो फायदे फायदे हैं, लेकिन सूखा बाजरा खिलाने वाले जो होते हैं वो कबूतर को ठंडा करते हैं अलग से, वो बाजरे से ठंडा नहीं करते, वो सूखा बाजरा खिला रहे हैं, वो पानी की चुस्की भी रखते हैं, पानी की चुस्की रखते हैं। भाई कबूतर उड़ के आया, पानी की चुस्की ली उसने, मुलाइठी वगैरह, मुलाइठी घिसके, आम हल्दी घिसके, ठीक है, आदमी रखता है,
और गुलदावे के फूल, गुलाब के फूल, ये चीजें भिगो के रख लेता है बंदा, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहता, आधा पानी सादा, एक कप सादा और एक कप जो हमारे ये मुलाइठी हो गए, गुलदावे के फूल हो गए, गुलाब के फूल हो गए, आमलदी हो गई, ये दो चीजें, तो तीन चीजें आप चाहो तो भिगो सकते हो, मुलाइठी भी और गुलदावे के फूल और गुलाब के फूल, और आमलदी घिसने पड़ेगी आपको, ठीक है, पानी में पहले घिस ले, हाथों हाथ घिस के कभी ना दें, गर्मी में पहले घिस के रख लें, ये आप रात को भी कर सकते हो। तो इसमें ये फायदा होता है कि जो बंदा सूखा वगैरह दे रहा है वो ये पानी की चुस्कियाँ दे सकता है। तो दोस्तों आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, भिगोने के भी और सूखा बाजरा डालने के भी, फायदे और नुकसान। तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो भिगो के देना चाहते हैं बाजरा, जो खिलाते हैं उनकी आदत बन चुकी है, वो 3 से 4 घंटे भिगो, एक मुलाइटी का 1 इंची का दाना उसके अंदर दबा लें बस, और कबूतर को डाले, ठीक है, ठंडा रहेगा कबूतर, हाँपेगा, चोंच भी कम खोलेगा। दूसरा जो सूखा बाजरा डालते हैं उनके लिए क्या करना है, वो 3 सामान को भिगो ले, भाई मुलाइठी हो गई, गुलदावे के फूल हो गए, गुलाब के फूल हो गए, और आमलदी उसमें पहले घिस ले, 20-30 घिस्से जो मारने हैं वो घिस ले, और उसकी चुस्की वो मान लो आधा कप पानी वो निकाल लिया या 1 कप पानी निकाल लिया, एक सादा मिला लिया, उसको मिला के अलग रख दिया, और थोड़ा थोड़ा डालते रहे कि कबूतर की जरा सी चोट जाए, वो चुस्की मारते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप भाइयों की हेल्प करता रहूंगा, और इसमें आपके भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, अदाब अर्ज़, अल्लाह हाफिज़। तो जिस भी भाई ने पानी की कुंडी लेनी है तो ले सकता है, इसके रेट डाउन कर लिए हैं मैंने, और व्हाट्सएप नंबर आएगा, नो कॉलिंग ओनली वॉइस। इसमें दो कलर है, रेड और ग्रीन, बहुत ही शानदार है, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और कबूतर इसमें नहा भी नहीं सकता और पानी गंदा भी नहीं होता, और गर्मियों में ये फ़ायदा है, पानी इसमें गर्म ही नहीं होता और गिरने से भी नहीं टूटती दोस्तों, बहुत ही शानदार लाजवाब चीज़ है। तो लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नो कॉलिंग, कॉलिंग नहीं उठेगी भाई, ठीक है।